हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ MG Comet EV के वेरिएंट्स के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वेरिएंट हो गए हैं। मतलब जो MG की Comet EV है, जो कि हमें टोटल 3 वेरिएंट्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। इन तीनों का जो प्राइसिंग है वो भी रिवील हो गया है। इन तीनों के अंदर किस तरह के फ्यूचर्स एंड जो वेरिएंट वाइज फ्यूचर्स देखने को मिलते हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात की जाए प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका एंट्री लेवल वेरिएंट जो कि हमें MG Comet Pace देखने को मिलता है, एंड ये हमें इंडिया के अंदर 7.98 लाख रुपीज़ एक्सन वाइजिंग के साथ। एंड जो मिडल वेरिएंट जो कि हमें प्ले वेरिएंट देखने को मिलेगा, एंड ये हमें 9.28 लाख रुपीज़ में। एंड जो टॉप एंड मॉडल जो कि हमें प्लस देखने को मिलता है, एंड इसका प्राइस हमें 9.98 लाख रुपीज़ एक्सन वाइजिंग जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करने वाला हूँ तीनों वेरिएंट्स के अंदर में किस तरह के फ्यूचर्स देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें 7.0 इंच का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसी के साथ, एंड जो उसका हायर वेरिएंट है उसके अंदर में 10.25 इंच का टच इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एंड साथ ही में हमें जो बेस मॉडल देखने को मिलता है उसके अंदर में ऑल ब्लैक इंटीरियर, एंड जो टॉपर मॉडल देखने को मिलता है उसके अंदर में ग्रे इंटीरियर स्कीम जो है वो देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर हमें जो मिड स्पेसिफिकेशन वेरिएंट देखने को मिलता है फ्रेंड, उसके अंदर में 10.25 इंच का हमें टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमें ट्विन स्क्रीन लेआउट के साथ, एंड ये हमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड इसके अंदर में आई स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी भी जो है हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें बेस मॉडल में नहीं देखने को मिलती है, ओनली मिडल एंड टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, इसका टॉप एंड मॉडल देखने को मिलता है फ्रेंड्स, इसके अंदर में स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम देखने को मिलती है, एंड साथ ही में हमें डिजिटल स्मार्टफोन बेस की, एंड ये हमें रिवर्स कैमरा के साथ भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, अगर मैं इसके वारंटी के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर में 3 लाख किलोमीटर की हमें वारंटी देखने को मिलती है, एंड साथ ही में हमें 3 सर्विस जो कि हमें नो लेबर चार्ज के साथ, एंड 3 ईयर की हमें रोड साइड असिस्टेंट भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड जो बैटरी बैक देखने को मिलती है जो कि हमें 8 ईयर या फिर 1.2 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड मैं बात करने वाला उसके पावर टर्न ऑप्शन के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर में 17.3 किलोवाट की हमें बैटरी पैक जो कि हमें एज ए स्टैंडर्ड, एंड ये हमें 230 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ जो कि हमें सारे वेरिएंट्स के अंदर में सेम देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर हमें जो इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है जो कि हमें 40 BHP के पावर के साथ, एंड 110 Nm टॉर्क के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड साथ ही में हमें सिंगल चार्जर जो कि हमें 3.3 किलोवाट का हमें जो एसी चार्जिंग ऑप्शन है वही देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन जो कि फिलहाल हमें नहीं देखने को मिलता है। तो फ्रेंड फिलहाल इस कार के बारे में इतने फ्यूचर्स एंड जो वेरिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। फ्रेंड और भी इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं कौन वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।